साल के आखिरी महीने में कई कामों की डेडलाइंस है। इनमें सबसे पहले 14 दिसंबर को आधार कार्ड को फ्री में अपडेट कराने की आखिरी तारीख थी, लेकिन अब सरकार ने आधार कार्ड होल्डर्स को बड़ी खुशखबरी दी है और एक बड़ा फैसला लिया है। जी हाँ, फ्री में आधार अपडेट कराने की सुविधा अब 14 दिसंबर को समाप्त नहीं होने वाली है। UIDAI ने आधार यूजर्स को राहत देते हुए इसे 3 महीने के लिए आगे बढ़ा दिया है। चलिए नई डेडलाइन को जान लेते हैं। और अगर अभी तक आपने अपने आधार कार्ड को अपडेट नहीं कराया है तो उसके प्रोसेस को भी डिटेल्स में जानेंगे। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर तन्वी सिन्हा और आप देख रहे हैं बिस्तर। आधार कार्ड होल्डर्स को बड़ी राहत मिल गई है। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी UIDAI ने फ्री में आधार को अपडेट कराने की डेडलाइन को एक बार फिर से बढ़ा दिया है। अब इस काम को आप अगले साल 14 मार्च 2024 तक फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं। UIDAI ने फ्री आधार अपडेट के लिए 14 दिसंबर 2023 की लास्ट डेट तय की थी, जो गुरुवार को खत्म होने वाली थी, लेकिन ऐन मौके पर प्राधिकरण ने एक बड़ा फैसला लिया है। बता दें कि सरकार ने सभी आधार कार्ड यूजर से कहा है कि अपने 10 साल पुराने आधार कार्ड को अपडेट करा लेना चाहिए। ऐसा आधार से जुड़े फ्रॉड पर लगाम लगाने के लिए किया जा रहा है। UIDAI ने अपनी वेबसाइट पर कहा है कि डेमोग्राफिक जानकारी की निरंतर सटीकता के लिए कृपया अपना आधार कार्ड अपडेट जरूर करें। हालांकि इसे अनिवार्य काम की श्रेणी में नहीं रखा गया है। UIDAI ने भी कहा है कि आप माई आधार पोर्टल पर जाकर अपनी जानकारी को अपडेट कर सकते हैं। इसके लिए आपको जानकारी से संबंधित डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना होगा। इसके अलावा आप ऑफलाइन भी इस काम को करा सकते हैं। हालांकि अगर कोई यूजर ऑफलाइन के बजाय आधार सेंटर पर जाकर ऑफलाइन आधार को अपडेट कराता है तो उसे 25 रुपए का शुल्क भरना होगा। चलिए अब फ्री में आधार अपडेट का ऑनलाइन प्रोसेस जान लेते हैं। सबसे पहले वेबसाइट पर यानी कि आधिकारिक माई आधार के वेबसाइट पर जाएं। होम पेज खुलने पर आपको डॉक्यूमेंट अपडेट ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करें। इसके बाद आपको व्हाट टू सबमिट सेक्शन में क्लिक करना होगा। इसमें सारे डॉक्यूमेंट्स का ब्योरा आ जाएगा जिन्हें सबमिट किया जा सकता है। अब क्लिक टू सबमिट पर जाएं। अब अपना आधार नंबर और कैप्चा कोड डालकर सेंड OTP पर क्लिक कर दें। इसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक वन टाइम पासवर्ड यानी कि OTP आएगा। इसे निर्धारित स्थान पर डालकर लॉगिन करें और अपडेट की प्रक्रिया शुरू कर दें। नए पेज पर डॉक्यूमेंट अपडेट पर क्लिक करना होगा। ऐसा करने पर यूजर्स की डिटेल दिखेगी। आधार यूजर्स को अपनी डिटेल वेरीफाई करना होगा। सही होने पर दिए गए हाइपरलिंक पर क्लिक करें। अब ड्रॉप डाउन लिस्ट में पहचान प्रमाण और पते के प्रमाण के दस्तावेजों को सेलेक्ट करना होगा। एड्रेस प्रूफ की स्कैन कॉपी अपलोड करें और सबमिट ऑप्शन पर क्लिक करें। अब अपडेट जानकारी से संबंधित डॉक्यूमेंट्स की स्कैन कॉपी अपलोड करनी होगी। आधार अपडेट स्वीकार होने पर आपको 14 अंकों का अपडेट रिक्वेस्ट नंबर यानी कि URN नंबर जनरेट हो जाएगा। आधार कार्ड भारतीयों के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जिसके बिना कई सरकारी और प्राइवेट काम पूरा नहीं हो सकता है। वहीं अगर आधार कार्ड में कोई पुरानी जानकारी है और उसे अपडेट नहीं किया गया है तो भी आपका काम अटक सकता है। इसके साथ ही आधार कार्ड में नई जानकारी अपडेट नहीं करने पर धोखाधड़ी की भी आशंका बढ़ सकती है। इसी के मद्देनजर केंद्र सरकार ने 10 साल पुराने आधार कार्ड को अपडेट करने के लिए कहा है। अगर आपने भी अभी तक अपने आधार कार्ड को अपडेट नहीं कराया है तो नई तारीख आ गई है, 14 मार्च 2024 तक आप इसे पूरा कर सकते हैं। तो फटाफट जाइए और अपने आधार कार्ड को अपडेट करा लीजिए। अगर आपको हमारे इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही बिजनेस जगत की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे बिजनेस।